ओके, एसी जनरेटर, एंड एसी जनरेटर गिव्स अस एन ईएमएफ गिवन बाय एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी. ओके, एंड दिस एप्सिलॉन नॉट वॉज कॉल्ड एज पीक वैल्यू, एंड दिस इज वॉट साइन फंक्शन. And sine function is having alternating nature. So this EMF is called alternating EMF or alternating voltage. And if it will cause a current, that current will be called alternating current. Okay? In short, AC. So, this is the customary to say a current which is variable alternatingly is AC current. But you know, if you are going for its a complete name, A for alternating, C for current, and then again we are saying current. Hum kya bolte hain? AC current. Okay? और एसी करंट को अगर पूरा पूरा लिखे तो क्या बोलेंगे? अल्टरनेटिंग करंट करंट. सो ये परंपरा चली आ रही है, इसलिए हम बोलते हैं. वैसे ये बोलना सही नहीं. ऐसे ही आपका जब वोल्टेज आएगा एसी का, अभी आप पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ, इन तीनों को एक नया नाम देंगे, वोल्टेज बोलेंगे. ओके, सो जब आप एसी वोल्टेज बोलेंगे तो इसका पूरा नाम क्या होगा? अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज. अब आप बताइए, करंट को कभी वोल्टेज बोला जा सकता है क्या? अगर वो वोल्टेज है तो करंट नहीं है, और करंट है तो फिर वोल्टेज नहीं है. लेकिन ये परंपरा चली आ रही है, और उस परंपरा का हम क्या करते हैं? पूरा पालन करते हैं. सो आइए डेफिनेशन पे आते हैं हम लोग. AC current or voltage a current or an EMF potential or potential difference whose value changes with the time alternatively is called AC current or voltage. So when I'm going for formula, when I'm going for formula, it will be epsilon is equal to epsilon naught sin omega t, maybe. But now this is presented by voltage, are called as voltage, so it can be written as V is equal to V naught sin omega t. In the circuit, if the circuit is closed,
and the resistance is present there, then there will be the current, and if there will be current, that current will be AC current, and it should be written as I naught sin omega t. In NCERT, in NCERT book, this formula is written like V is equal to Vm sin omega t. So V naught and Vm, V naught को peak value कहते हैं, Vm को भी peak value कहते हैं, और M यहाँ पे लिखा जाता है stands for maximum. M stands for maximum. So Vm का मतलब maximum V. Okay? तो और I is equal to Im sin omega t होता है. Now, let me tell you, जो आपका Vm, Im और sin omega t है, अगर इसकी प्लॉटिंग करें हम, तो इधर को आप t रखिए और यहाँ तक के पूरे टाइम को आप टाइम पीरियड मान लीजिए, और फिर हाफ टाइम पीरियड हो जाएगा, और ये क्वार्टर टाइम पीरियड हो जाएगा, और ये थर्ड क्वार्टर हो जाएगा. ओके? और इधर मैं क्या रख रहा हूँ, अभी मैं एप्सिलॉन रख रहा हूँ या V रख रहा हूँ, और जो मैक्सिमम वैल्यू है उसे हम क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन. ठीक है? तो ऊपर भी दिखा लिया एप्सिलॉन नॉट, और नीचे भी दिखा लिया एप्सिलॉन नॉट. ये माइनस एप्सिलॉन है और ये ओरिजिन है. अगर आप एक टेबल बनाते हैं और उस टेबल में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखते हैं आप, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखते हैं, पहली वैल्यू आप टी की रखते हैं और फिर आप साइन ओमेगा टी की वैल्यू पूरी फाइंड करते हैं, या वी की वैल्यू आप पूरा, आप साइलेंट की वैल्यू पूरा लिखते हैं. तो आप ज़रा देखिए, जब टी इज इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, साइन ज़ीरो. साइन ज़ीरो की वैल्यू कितनी होती है, ज़ीरो. और इसलिए V की वैल्यू या एप्सिलॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो. अब आप आते हैं अगले वाले प्लेस पे. अगले वाले प्लेस पे T कितना है, ये वाला T बाई फोर. अगर आप ओमेगा T लिखते हैं तो ओमेगा का मतलब होता है 2 pi बाई कैपिटल T. ओके? और T की वैल्यू अभी कितनी हुई, इट इज टी बाई फोर. नाउ नाउ टी विल बी कैंसिल्ड बाई टी, इट विल बी पाई बाई टू, एंड पाई बाई टू मीन्स 90 degree. सो योर ओमेगा टी विल बी 90 degree, देन योर साइन ओमेगा टी विल बी साइन पाई बाई टू, एंड साइन पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है, 1. इसलिए एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1. और एप्सिलॉन नॉट, ये 1 हुआ ना. ओके? सो इसकी इससे क्या हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन. ठीक है? तो कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट. ओके, नाउ नेक्स्ट वन. नाउ आई एम गोइंग टू टेक टी इज इक्वल टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज हियर टी बाई टू. What will be omega t? 2 pi by t into t by 2. t cancel. 2 cancel. Omega t comes to pi. And then it will be sin pi. Sin 180 degree. What is the value of sin 180 degree? How much? Zero. जीरो. साइन के बारे में आप देखिए, साइन का
जो रूल है वो मैं बताऊं, यहाँ पे एंगल जीरो लिया जाता है, यहाँ पे कितना 90, इसको आप पाई बाई टू कहते हैं, यहाँ पे क्या होता है 180, आप इसे पाई भी कहते हैं, और ये होता है 270, इसको 3π/2 कहते हैं, एंड देन अगेन कम टू हियर 2π, ओके। तो ये ऐसे चलता है वैल्यूज। वैल्यूज की बात कर लें, यहाँ पे वैल्यू जीरो होती है, यहाँ पर +1 होती है, साइन के लिए बात मैं कर रहा हूँ, ओके। साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो, साइन पाई बाई टू इज इक्वल टू +1, साइन 180 जीरो, एंड साइन ये वाला -1 होता है, और फिर साइन 2π विल बी अगेन जीरो। कोसाइन की बात कर लूँ मैं, ठीक है, कोसाइन में यहाँ पे जीरो होता है और यहाँ पर 1 होता है, ये कितना है जीरो ना, ठीक है। तो जीरो पे 1, पाई बाई टू पे 0, और 1 के अपोजिट कितना रखना है आपको, -1, जीरो के सामने कितना रखना है, 0, ठीक है। तो अभी आपका क्लियर हो गया, ये हो गया पाई और ये हो गया 3π/2 और ये हो गया 2π। सो ये कोसाइन के लिए है या कॉस के लिए, कॉस 0 इज इक्वल टू 1, कॉस पाई इज इक्वल टू हाउ मच, -1, ठीक है। तो अभी क्लियर हो गया, अब आते हैं हम इस पे। सो t/2 रखने पे साइन पाई आएगा, एंड साइन पाई की वैल्यू कितनी, 0, ओके। सो ओवरऑल वैल्यू कितनी हो जाएगी अब साइलिन की, 0 हो जाएगी, ठीक है। अब किसकी बारी आएगी, 3t/4 की। सो लेट मी राइट 3t/4। सो अभी यहाँ पे जो होगा एट दिस प्लेस इट विल बी 3t/4, t कैंसिल, 2 विल कट दिस 4, हियर विल बी 2, एंड हाउ मच कम्स टू यू, 3π/2, दैट मीन्स 270 डिग्री, एंड 270 डिग्री साइन की वैल्यू कितनी होती है, -1। सो एप्सिलॉन की ओवरऑल वैल्यू कितनी होगी, -επ0, एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू टेक टी, नाउ दिस विल बी चेंज्ड अगेन, हियर विल बी व्हाट, टी, एंड देन टी विल बी कैंसिल, ओमेगा टी वैल्यूज कम्स टू यू 2π, एंड 2π इट विल बी sin 2π मीन्स हियर अगेन, एंड व्हाट इज इट्स वैल्यू, 0। सो एट दिस पॉइंट एप्सिलॉन विल बी 0। अब मैं प्लॉटिंग पे आता हूँ और दिखाता हूँ कि जब 0 है तो एप्सिलॉन कितना है, 0, जब t/4 है तो एप्सिलॉन कितना हो गया, पीक वैल्यू, जब t/2 है तो 0, और जब 3t/4 है तो माइनस, यानी पीक पे है लेकिन नीचे है, ओके। और फिर टी पे कितना है, 0। अब इन सबको हम स्मूथली मिलाते हैं, ओके। सो दिस इज व्हाट यू साइन कर्व, ये जो नेचर होता है इसे हम क्या कहते हैं, साइन कर्व कहते हैं, क्लियर, ओके। पर आपने जब 11th क्लास पढ़ा होगा और आपने वहाँ पे हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा होगा, तो वहाँ पे कहा जाता है, अब कोसाइन का भी अगर मैं ऐसा ही ग्राफ खींचता, तो वहाँ पर मान लीजिए कोई ऐसे लिख देता, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट कॉस ओमेगा टू सपोज, तो उसका ग्राफ टी इज इक्वल टू 0 पे कहाँ पहुँच जाता, एप्सिलॉन नॉट पे ऊपर, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती। मतलब ग्राफ का नेचर ऐसा ही होता, लेकिन उसकी शुरुआत ओरिजिन से नहीं होती, बल्कि उसकी शुरुआत कहाँ से होती, टॉप से होती, एप्सिलॉन नॉट से होती। तो अगर मैं ग्राफ खींच के दिखाऊं तो सपोज किसी ने लिखा
epsilon is equal to epsilon naught cos omega t. किसी ने ऐसे लिख दिया. अब इसका ग्राफ मैं बस ऐसे ग्राफ ही दिखा रहा हूँ और सब बाकी डिटेल नहीं लिख रहा. ग्राफ ऐसे हो जाता है ना, ठीक है. ये भी क्या है, अल्टरनेटिंग नेचर है. आप कंप्लीट करो. हियर विल बी एप्सिलॉन, हियर विल बी टी. और ये भी तो ऐसा ही है ना जैसा ये चल रहा है. सो चाहे कोसाइन हो चाहे साइन हो, दोनों का ही नेचर क्या होता है, अल्टरनेटिंग होता है. अब कोई कह सकता है कि सर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो. साइन लगा दें यहाँ और मान लीजिए ऐसे लिख दें. आपको पता है साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा कॉस थीटा. साइन 90 माइनस थीटा भी कितना होता है, कॉस थीटा ही होता है, ठीक है. तो आपके पास कॉस ओमेगा टी है, आप उसको साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं. और साइन सिंबल है किसका शो करने का, अल्टरनेटिंग का, उसके फार्मूले में साइन आता है. तो कहने का मतलब ये है कि आपका एक ही चीज़ या एक ही नेचर जो अल्टरनेटिंग है वो साइन से भी दिखता है, कोसाइन से भी दिखता है. तो अब साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं या हम लोग समझने के लिए क्या करते हैं, हम कोसाइन को भी साइन में कंसीडर करते हैं, चाहे प्लस में चाहे माइनस में, चाहे साइन 90 माइनस थीटा करके चाहे 90 प्लस थीटा करके, बट वी कन्वर्ट कोसाइन इनटू साइन. अब जब हम ऐसा करेंगे तो मुझे ओमेगा टी के साथ कुछ जोड़ना पड़ेगा या फिर मुझे ओमेगा टी के साथ कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है. मे बी ये प्लस होगा माइनस होगा उसको हम छोड़ देते हैं, बट कोसाइन कैन बी कन्वर्टेड बाय दिस फॉर्मूला, ओके. तो अब क्या होगा, आप ये बोलेंगे कि इस समय पे ये प्लस पाई बाई टू है और प्लस पाई बाई टू का मतलब या तो वो यहाँ से चल रहा होगा या अगर माइनस पाई बाई टू हुआ तो वो यहाँ से चल रहा, ठीक है. और नेचुरल चीज़ कहाँ से चल रही होती, यहाँ से चल रही होती. तो अगर मैं इस केस को लेता हूँ, सपोज दिस इज वन दिस इज टू दिस इज थ्री, तो अगर मैं पूछूँ कि ये तीन ग्राफ हैं जो चल रहे हैं, कौन सा ग्राफ पहले से चल रहा है, सेकेंड वाला, ओके. तो जो पहले से चल रहा होगा हम उसको फिजिक्स की लैंग्वेज में लीडिंग बोल, लीडिंग, लीडर हमेशा आगे होता है ना, नेता. तो ये लीडिंग है. और पीछे कौन चल रहा होगा, सबसे पीछे कौन चल रहा होगा, थर्ड वाला, इसको लैगिंग बोलेंगे. दिस वन टू इज लीडिंग दैन वन एंड थ्री इज लैगिंग दैन वन. क्योंकि जब ये जीरो है तो ये माइनस में है, ओके ओके. सो ये लीडिंग एंड लैगिंग का कंसेप्ट है और इसको हम फेज कहते हैं, ठीक है. ये जो लगता है यहाँ पे, व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड फेज. तो जिसका फेज बड़ा हो गया ओरिजिनल से वो लीडिंग हो जाएगा और जिसका फेज छोटा हो गया वो लैगिंग हो जाएगा, ओके. तो क्लियर, एसी का हमें फार्मूला पता चल गया कि ये होता है. लेकिन और भी फार्मूले हो सकते हैं. अब मैं लिखूं एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी एंड आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. मैंने प्लस कर दिया तो इसका फेज बड़ा हुआ या छोटा, बड़ा. इसलिए आई लीडिंग हो गया, किससे, वोल्टेज से.
सो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, करेंट इज लीडिंग टू द वोल्टेज, ओके। अगर मैं ऐसे लिखूं, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी, और मैं ये लिखूं आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, नाउ व्हाट कैन आई से, माय करंट इज, करंट इज लैगिंग टू द वोल्टेज और देन द वोल्टेज। अब बात आती है कितना, तो आप बोलेंगे विद एंगल फाइव, और यहां पे भी बोलेंगे बाई एंगल या विद एंगल फाइव। तो कभी कभी आपको 90 डिग्री मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा तो आप क्या बोलेंगे, दिस इज लीडिंग टू द करेंट, सॉरी टू द वोल्टेज बाई 90 डिग्री, ओके, और विद 90 डिग्री। जैसे यहां पे केस आया था, तो यहां पे हमने क्या बोला था, ये वाला कितना डिग्री लीडिंग है, 90 डिग्री लीडिंग टू द वोल्टेज। ये वाला जो होगा वो साइन ओमेगा टी से रिलेट करेगा, ये वाला कितना होगा, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू या प्लस 90 डिग्री होगा ना, ये क्वार्टर है और क्वार्टर का मतलब 90 डिग्री से रिलेट करना। और ये वाला क्या होगा, ये वाला रिलेट करेगा साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री से, ठीक। तो अब हम आते हैं पीक वैल्यू से, आप पूरी तरीके से फैमिलियर हो चुके हैं, ठीक है। पर हमेशा जब हम किसी भी एसी को देखेंगे, हमारे घर में एसी आती है आपको पता है, ठीक है, हमारे घर में जो एसी है, लेट मी राइट इट, हाउस होल्ड एसी वोल्टेज, इसके कुछ नेचर आपको बता दें। जो हमारे इंडिया में है, वोल्टेज की वैल्यू स्टैंडर्ड 220 वोल्ट है। हमारे घरों में जो सॉकेट्स होते हैं सब में, लगभग हमारे घर में कितना होता है, 220 वोल्ट। ये हमारा, आपका भी कोई एडाप्टर उठा के देखें, आपके घर पे मोबाइल का चार्जर होगा, आप उस पर जाके देखेंगे लिखा होगा इनपुट 220 वोल्ट, यानी हमारे घर में जो बिजली आती है वो कितना है, 220 वोल्ट है, ठीक है। और बाहर जो ट्रांसफार्मर होता है उस पर 440 लिखा होता है, बड़े बड़े आप ट्रांसफार्मर्स देखें उस पर हाई वोल्टेज लिखा होता है, 4000 इस तरीके का लिखा होता है। सो हमारे घर में जब वो पहुंचेगा तो कितने का होगा, 220 का, ठीक है। करंट की जो वैल्यू हमारे घर में होती है वो डिपेंड करती है अप्लायंसेस पे। छोटे सॉकेट जो होते हैं वो लगभग 6 एम्पियर के होते हैं, 6 एम्पियर, ठीक है। थोड़े से आप बड़े जाएंगे, 2 पिन वाले होते हैं, फिर 3 पिन वाले होते हैं, और फिर पावर वाले होते हैं। पावर वाले में 12 एम्पियर या 16 एम्पियर के भी करंट हो सकते हैं। सो हमारे घर में हमेशा हर जगह पे 220 वोल्ट पहुंचता है, 220 वोल्ट पहुंचता है। करेंट्स में भी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द डिवाइस, आपके पास गीजर है, एसी है, वहाँ पे 16 या 12 एम्पियर का कार्ड लगता है, ठीक है। सिंपल बल्ब या सिंपल चीज़ें हैं तो 6 एम्पियर की भी लग जाती है, ठीक है। सो हमारे यहाँ पे जो करंट आती है या वोल्टेज आता है वो अल्टरनेटिंग है, और अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी होती है, यानी एक सेकंड में कितनी बार वो टॉप पे जाता है या एक सेकंड में कितनी बार वो बॉटम पे जाता है, ओके, इसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो
हमारे घर में जो आता है करंट, उसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज़। यानी आप ये कह सकते हैं कि एक सेकंड में हमारे घर में आने वाली जो करंट है वो 50 ऑसिलेशंस पूरे कर लेती है। 1, 2, 3, 4 ऐसे एक सेकंड में कितने 50। और ये पूरे इंडिया में सेम है, ठीक है। कहीं पे भी चले जाएंगे, इट इज डिसाइडेड बाय द कंट्री। आपके देश में ये 50 हर्ट्ज़ है, किसी जगह पे ये 20 हो सकता है, किसी दूसरी देश में आप जाके लें। तो एक्चुअली क्या होता है, जैसे पुराने टाइम में हम लोग चाइना के गैजेट्स खरीदते तो हम कहते थे कि ये बेकार की चीज़ है और नहीं चले, क्योंकि तब चाइना अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें बनाता था। उनके यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी रेंज है, उनके यहाँ पे जो स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, या उनके यहाँ पे जो करंट स्टैंडर्ड वैल्यू है, ठीक है, वो ग्लोबल मार्केट के लिए नहीं बना रहे थे। तो वो जब हमारे यहाँ आता था, अगर वो हमारे यहाँ आया और आपको पता है कि जब हमारी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही है, स्टैंडर्ड मैच नहीं कर रहा, वो नहीं चले। अभी उन्होंने ग्लोबल मार्केट में चीज़ें उतारनी शुरू करी हैं, तो वो एक रेंज रखते हैं। आप जब अपना मोबाइल का एडाप्टर देखेंगे ना, चार्जर देखेंगे, उस पर लिखा होगा कि वो सिर्फ 50 हर्ट्ज़ के लिए नहीं, 40 से लेके 70 हर्ट्ज़ के लिए काम करे, ठीक है। वो सिर्फ 220 के लिए नहीं, वो लगभग 200 से लेकर के 280 वोल्टेज तक काम करेगा, ठीक है। तो अब वो इंडिया में भी चल सकता है, वो USA में भी चल सकता है, क्योंकि उन्होंने एक रेंज ले लिया, ऐसी चीज़ें उन्होंने यूज करी जिससे वो ख़राब नहीं हो, ठीक है। तो इसलिए आज की डेट में आप कोई भी कंट्री का कोई प्रोडक्ट उठा के देखो, सब में चाइना का स्पेयर पार्ट लगा। हाँ, जिस एप्पल की हम लोग इतनी बड़ी गुणगान करते हैं, वो भी अपने 50% पार्ट्स किसके लेता है, चाइना, है ना। आपके जितने भी यहाँ पे जितने भी मेक इन इंडिया प्रोग्राम्स हैं, इनमें जो भी चीज़ें आती हैं, हम बस असेंबल करते हुए यहाँ दिखते हैं। असली चीज़ें कहाँ से आ रही होती हैं, चाइना से। जो भी स्पेयर पार्ट्स हैं आप देखेंगे, आपको 80% चीज़ें उधर से मिलेंगी। एंड वी आर गोइंग टू, यू नो, हम कहते हैं कि नहीं यूज करेंगे, हम बहिष्कार कर देंगे और क्या कर देंगे।